और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक थे जिनको लेकर के सदन बुलाया गया और जो महत्वपूर्ण कार्य थे वह सब संपन्न हो गए और इसलिए आज कार्रवाई स्थगित हो गई अनिश्चित काल के लिए। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत अच्छे काम, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना चलना चाहिए था जानबूझ के नहीं चलने दिया जा रहा। नहीं, हम तो चलने तो विपक्ष नहीं दे रहा, सपा नहीं चलने देती है। वो चाहती कि हंगामा होता रहे क्योंकि सरकार के खिलाफ उनके पास मुद्दा नहीं। सर अभी एग्जिट पोल आया था ऊपर से और मैनपुरी और रामपुर में जो वोटिंग हुई है, सपा आरोप लगा रही है कि रामपुर में बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया गया, लोगों को मारा गया। देखिए दुरुपयोग 2012 में जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कन्नौज लोकसभा के उपचुनाव में हुआ था, जब किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया, नामांकन जिसने किया उसका नामांकन खारिज करा दिया, वापस लेने के लिए विवश कर दिया गया और निर्विरोध निर्वाचन करा दिया। हमारे सरकार में तो एकदम साफ सुथरा चुनाव हो रहा है, बूथ कब्जा गुंडागर्दी जो करने का काम होता था वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कोई ऐसा चलता रहे। तो अब तो सुशासन है, विकास है, राम राज्य है। एक सवाल और है, कल एग्जिट पोल आया है जिसमें गुजरात में बीजेपी भारी मतों से जीत रही है, हिमाचल में टाइट फाइट है और एमसीडी का जो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। देखिए जो भी अभी आए हैं एग्जिट पोल उससे भी अच्छे रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहेंगे और मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनता की सेवा में समर्पित भाव से काम करती है और इसलिए जनता का आशीर्वाद मिलता है और गुजरात में भी और हिमाचल में भी हमारी सरकार वापस आ रही है। एक आखिरी सवाल है, लखीमपुर हिंसा मामले में 14 अपराधी जिसमें आशीष मिश्र भी थे, उन सभी 14 आरोपियों के आरोप तय हो गए, ट्रायल शुरू होने वाला, न्यायपालिका की किस तरह से देखते हैं कि बिल्कुल जो मैंने अभी देखा नहीं है क्या आदेश आया, देखूंगा तब बोलूंगा।